हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एसएससी एस सी टायर वन का जो आपका फर्स्ट ऑफ जुलाई को रिजल्ट जारी हुआ है उसका नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस क्योंकि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन से जो डाटा तैयार हुआ है वो चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको नॉर्मलाइज मार्क्स के अंदर देखने को मिल रहा है तो वही सब इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर दे ताकि आप किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना करें वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास कमेंट आया है वो है श्री लक्ष्मी मनेर का और इनके कहना है कि फोर्थ मार्च थर्ड शिफ्ट रा स्कोर इनका वन नाइनटीन था और क्वालिफाइड कर गए हैं ये लिस्ट थ्री को यानी कि कैटेगरी जो है वो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की यानी जो फोर्थ मार्च थर्ड शिफ्ट के अंदर मिनिमम आपकी मैं बात करूँ जो थर्ड शिफ्ट के जो लिस्ट थ्री के अंदर जो कट ऑफ है अन की वो वन फोर्टी सेवन मार्क्स के ऊपर है मतलब कि लगभग ट्वेंटी एट मार्क्स के आसपास इनको नॉर्मलाइजेशन के बाद मिनिमम मिले हैं ये ज़्यादा भी हो सकते हैं आपको ही पता है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है एस के एग्ज़ाम्स के अंदर और अगला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है फिफ्थ ऑफ मार्च फर्स्ट शिफ्थ एस टी कैटेगरी से जो नाइन्टी टू मार्क्स थे और इनका जो आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट है वो क्लियर हो चुका है यानी इनका फिफ्थ ऑफ मार्च को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर नाइन्टी टू से कट ऑफ को क्लियर हुआ है मतलब वन फोर वन हंड्रेड फोर से इनके नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं मतलब कि आप लगा सकते हैं कि फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी मिनिमम इनका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़े हैं ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं हो सकता है कि किसी शिफ्ट में जिससे आप कह सकते हैं कि जो टफ़ थी उसके अंदर नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा बढ़े हों जैसा हमने पिछली बार देखा था कि फोर्टी फोर मार्क्स तक इंक्रीज़ हुए थे नेक्स्ट जो डाटा हमारे पास वो है सिक्स मार्च फर्स्ट शिफ्ट के अंदर और जो इनका रा स्कोर था वन हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट फाइव था ओ बी सी के अंदर और ये क्वालिफाई हो गए हैं तो ओ बी सी को कट ऑफ है वो है आपकी वन थर्टी फाइव पर तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिक्स मार्च फर्स्ट शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इंक्रीज़ हुआ मार्क्स का वो मिनिमम एट्टीन प्लस हुआ है ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है तो मिनिमम हम मान के चल रहे हैं अगला जो डाटा है वो है सिक्स मार्च से ही और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर वन हंड्रेड एट्टीन इनका स्कोर है आपका ओबीसी के अंदर और इनका भी क्वालिफाई हो गया है तो मतलब कि इनका जो नोमनाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़े हैं वो भी सेवनटीन प्लस मिनिमम के आसपास वो बढ़ चुके हैं अब जो चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो आपकी नाइन्थ मार्च की शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो सिक्सथ मार्च थर्ड शिफ्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि वन ट्वेंटी पॉइंट फाइव के अंदर रा स्कोर भी क्वालिफाई कर गया है वन थर्टी फाइव जो आपकी कट ऑफ है उसको पार कर गया है तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो आपके मिनिमम सेवनटीन प्लस के आसपास हैं जो वो है आपकी नेक्स्ट वो है वन फिफ्टीन का रा स्कोर था और नाइन्थ मार्च थर्ड शिफ्ट के अंदर और ओनली जो आपकी थर्ड लिस्ट है उसके अंदर नाम आया है यानी कि थर्ड नाइन्थ मार्च के अंदर जो भी कट ऑफ है उसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ा है वो बहुत ही कम बढ़ा है और यही कारण है कि इनका जो सिर्फ वन फोर्टी सेवन वाला लिस्ट थ्री कट ऑफ है वो वो क्वालिफाई हुई है और कट ऑफ इनकी क्वालिफाई नहीं हो पाई इसी तरह से इसी जो नाइन्थ मार्च के अंदर इनका भी आप देख सकते हैं रा स्कोर है वो वन सिक्सटी था पर फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड नहीं हो पाए हैं ये तो रा स्कोर आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छा स्कोर किया वन सिक्सटी पर नॉर्मलाइज मार्क्स नाइन्थ मार्च की जो आपकी शिफ्ट है उसके अंदर बहुत ही कम हुए हैं और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि नाइन्थ मार्च के अंदर जो रास सी कैटेगरी के लिए वो वन था इनका और जो कट ऑफ है वो वन हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट फोर पे है फिर भी भी क्वालीफाई नहीं हुआ मतलब कि इनको नॉर्मलाइजेशन के टू थ्री मार्क्स भी नहीं मिले हैं और ये कहना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है इसी तरह से जो नाइन्थ मार्च की और भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो डाटा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है नाइन्थ मार्च की शिफ्ट के अंदर नॉमलाइज मार्क्स बहुत ही कम बढ़े हैं तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन और निकल के आएगी मैं आप सब शेयर करूंगा तो आपको क्या करना है आपको अपना रास् को अपना रिजल्ट और कैटेगरी और साथ में आपकी शिफ्ट और एग्जाम डेट हमें कमेंट में बतानी है और उसी हिसाब से जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा और बड़े लेवल पर करेंगे और हर शिफ्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको इंक्रीज हुए हैं तो जल्दी से आप ये काम कर दीजिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल एस मास्टी पॉइंट से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ जय हिंद जय भारत